अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये कोई एक चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनेगी, ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वीडियो बनेगी, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट की भी चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसा कि पियानो, गिटार वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज मैंने ये पहली अपनी वीडियो स्टार्ट की अपने सोलर पैनल की प्लेटों से। दोस्तों, मेरे पास अभी तो दो सोलर पैनल की प्लेटें हैं, डेढ़ सौ वाट की ये दो प्लेटें हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इसका ब्रांड नेम लिखा है, सेल जर्मनी है, ओरिजिनल का टैग लगा हुआ है। दोस्तों, ये ओरिजिनल वगैरह और ये सेल जर्मनी ये कुछ भी नहीं होता, ये सब ऊपर एक उन्होंने टैग लगाया होता है। ये सब चीज़ें जो है ना, देखकर परचेज़ करनी पड़ती हैं। ये इसके साथ ये मैंने 6 mm की केबल यूज़ की हुई है। दोस्तों, मैं इसकी बैक साइड पे आपको इसका स्टिकर भी दिखा देता हूँ, जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी लिखी हुई है। मैं थोड़ा इसका फोकस करने की कोशिश करता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 150 वाट की प्लेट है और एक क्लास की है ये। उसके अलावा मैं थोड़ा इसको नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, 9.19 एम्पेयर इसके लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये 7 एम्पेयर तक ये एक प्लेट देती है मुझे, यानी कि ये दोनों मिला के मुझे 14 एम्पेयर देती हैं फुल गर्मी में। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताऊंगा मज़ीद मालूमात। ये दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइंस टाइप की सोलर प्लेट्स हैं, पॉलीक्रिस्टलाइंस भी होती हैं, थिन फिल्म भी होती हैं, और उसके अलावा फ्लेक्सिबल भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों, ये कम टेम्परेचर पे भी काम करती है। जैसा कि अब सर्दियाँ हैं, तो ये सर्दियों में भी मेरा लोड और मेरा जो है ना, वो एम्पेयर्स वगैरह पूरे दे देती हैं। सूरज कम भी हो, सूरज की रोशनी, तो तब भी ये काम करती रहती है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल ऊपर 9.9 एम्पेयर से अबव लिखे हुए थे, इसके ऊपर मेंशन हुए थे, लेकिन दोस्तों ये 9 एम्पेयर देती नहीं, ये 7 एम्पेयर देती है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने लो कॉस्ट परचेज़ की थी। वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे सस्ती मिली थी, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी सस्ती मिली थी, जिसकी वजह से जो है ना, ये इसकी क्वालिटी भी ठीक है, 7 एम्पेयर तक ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं 2 प्लेट्स और इसके साथ अटैच करूँगा फॉर द फ्यूचर प्लान एंड फर्दर मोर लोड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मज़ेदार वीडियोस और भी डे बाय डे लाता रहूँगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक चीज़ पर नहीं होगा ये चैनल, कि एक ही चीज़ या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। दोस्तों, मैं आपको जाते हुए एक और चीज़ बता दूं, जो मोनोक्रिस्टल लाइंस होती हैं, उनकी पहचान ये होती है कि उनके अंदर ये जो है ना, इस तरह के डायमंड्स का निशान बना होता है, ये आप देख रहे हैं, और बिल्कुल स्क्वायर नहीं होता, साइड पे उसके कट लगे होते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों, ये जब मैन्युफैक्चर होती हैं, तो ये सर्कल शेप में होती हैं। सर्कल शेप को जब वो काटते हैं, उसको
बिल्कुल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल स्क्वायर नहीं बनता, थोड़ा सा साइड पे कट रह जाता है। ये देखें, ये इसकी निशानी है। इसमें ब्लैक कलर की भी आती हैं, वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये वाइट कलर का आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ब्लैक कलर की जो होती हैं उनमें भी ये नज़र आता है, लेकिन वो बहुत कम नज़र आता है, वो आपको देख कर जो है ना वो परचेज़ करना पड़ेगा। वैसे इसके नीचे स्टिकर पे भी लिखा था कि ये कौन सी है, मोनोक्रिस्टलाइन है या पॉलीक्रिस्टलाइन है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।